जाफराबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां डेरा अलैयार सोहबतपुर चौक पर धमाका हुआ है जिसमें चार अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, डेरा अलैयार सोहबतपुर चौक पर धमाका हुआ है, धमाके में चार अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा न्यूज़ वन सावल जान हमारे साथ मौजूद हैं। सावल जान, बताइए कि धमाके के हवाले से क्या अपडेट हासिल हो सकी है? जी बिल्कुल, जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अलैयार में सोहबतपुर चौक पर बम धमाका हो गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस बम धमाके में आठ अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है, जिन्हें फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए मौका पर रवाना हो चुके हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बम धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके के बाद मोटरसाइकिल और आसपास की दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। जख्मियों को आवाम अपनी मदद आपके तहत अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। जी, डेरा अलैयार में सोहबतपुर चौक पर धमाका हुआ है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सावल जान। नाज़रीन को एक दफा फिर अपडेट करें कि जाफराबाद में डेरा अलैयार सोहबतपुर का इलाका है, जहां पर चौक पर धमाका हुआ है, चार अफराद जख्मी हुए हैं, बम मोटरसाइकिल में नस्ब था और धमाके में मुतादिद दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। सावल जान, बताइएगा इस धमाके के हवाले से क्या बताया जा रहा है, इसकी शिद्दत कितनी थी, और साथ ये भी बताइएगा कुछ जख्मी के हवाले से कोई अपडेट है, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं अपने नाजरिन को ये बताता चलूं कि जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अलैयार में सोहबतपुर चौक है, वहां पर बम धमाका हो गया है और जख्मियों की तादाद आठ बताई जा रही है। पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि अभी जख्मियों की तादाद चार से बढ़कर आठ हो गई है और जख्मियों को फौरी तौर पर लोग अपनी मदद आपके तहत सिविल अस्पताल डेरा अलैयार मुंतकिल कर रहे हैं। और बम धमाके के हवाले से अभी पुलिस तहकीकात कर रही है, जैसे ही पुलिस से हमारी घर कंफर्मेशन हो जाएगी उसके बाद अपने नाजरीन को हम आगाह करेंगे कि बम किस किस्म का था और इसके मिकदार कितनी थी। जी अच्छा, समझ ये भी बताइए, गरीब दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है, क्या नुकसान देखने में आ रहा है, किस तरह का नुकसान हुआ है? जी, जहां पर ये मोटरसाइकिल में बम नस्ब था, वो मोटरसाइकिल मेन चौक पर दुकानें थी उनके बाहर खड़ी की थी मेन रोड पर। बम धमाके के बाद दो तीन दुकानें हैं, एक जूस की दुकान थी, एक होटल के सामने बम को मोटरसाइकिल को खड़ा कर दिया गया था। बम धमाके के बाद मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और आसपास की जो दुकानें थी उन्हें भी आग लग गई है और उनकी छतें और दीवारें मुनदिम हो गई है, वो उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जी समझान, आप बता रहे हैं कि आठ अफराद जख्मी है, जख्मियों के बारे से बताया जा सकता है कि उनकी हालत कैसी है? जी, जख्मियों को फौरी तौर पर डेरा अलैयार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। डॉक्टरों से हमारा रब्ता जारी है, जैसे ही उनकी तबीयत के हवाले से इत्तला वसूल हुई हम अपने नाजरिन को आगाह कर देंगे। उनमें से कुछ जख्मी, हमारे जराए के मुताबिक कुछ जख्मी शदीद जख्मी है, कुछ को जो है नॉर्मल चोटें आई है, उनका इलाज जो है फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। जी अच्छा, सामल जान ये बताइए इस इलाके का महले वकूफ कैसा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि डेरा अलैयार सोहबतपुर चौक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लोगों का आना जाना काफी ज्यादा रहता होगा, इस इलाके का महले वकूफ बताइएगा जहाँ धमाका हुआ है। जी बिल्कुल, ये सोहबतपुर चौक जो डेरा अलैयार में है, ये बहुत ही रश वाला इलाका है, इसके साथ ही मेन रोड जाती है क्वेटा वाली, ये बिल्कुल रश वाला गुंजान आबादी वाला इलाका है, इसके साथ ही रेलवे ट्रैक और फाटक है, उधर बहुत ज्यादा और खासकर शाम के टाइम में लोग अपने घरेलू अशिया खरीदने के लिए रश लगा रहता है, इसी वजह से इस चौक पर तकरीबन शाम के टाइम और सुबह के टाइम बहुत ज्यादा रश होता है, इसी वजह से नुकसान ज्यादा होने का खतरा है। समझान, जख्मियों की तादाद के हवाले से एक बार फिर कंफर्म कीजिएगा, उनकी हालत कैसी है और कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया उन्हें? जी, हमारी पुलिस जराए से ये कन्फर्म हुआ है कि अभी आठ जख्मियों को डेरा अलैयार सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और बाकी जो है उनका पता लगाया जा रहा है। जी आपको अपडेट करते चले नाजरीन को कि जाफराबाद से ये अहम और अफसोसनाक खबर है, डेरा अलैयार सोहबतपुर चौक पर धमाका हुआ है और धमाके में आठ अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है और ये चौक बताया जाता है काफी रौनक होती है, यहां पर करीब में पटरी भी वाकया है, दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इस धमाके के नतीजे में जाफराबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, अफसोसनाक वाकया जाफराबाद में पेश आया है, डेरा अलैयार सोहबतपुर चौक पर धमाका हुआ है। लाहौर के इलाके आमिर रोड पर इंसदादे पोलियो टीम पर छुरी से हमला किया गया है, पुलिस ने मुलजिम अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर